the formal welcome is done. Now I request ourselves to get into the launch program mode. Now call upon Professor Shahid, the project director, to brief about the program, highlighting MANUU's role in empowering young Muslims in Madarsas of Bihar. Shukriya. Mohtaram Vice Chancellor Sahab, Registrar Sahab, UNFPA, Srinivasan Sahab, Nadeem Noor Sahab, Madam Nalini, Jamia Millia Islamia, Professor Ajaz Masih Sahab, Dr. Arshad Igram, Bihar State Madrasa Education Board, Hamare Noor Alam Sahab, Riyasuddin Sahab, Mere Aziz, Deans, Directors, Asaza Igram, Administrative Staff, Aap Sabka Is Mehfil Mein Khair Magdam Hai. और मैं समझता हूँ पहले मैं हम इस यूनिवर्सिटी को मुबारकबाद देना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के लिए. मैं सीधे तौर पर प्रोजेक्ट की बेसिक्स पर आता हूँ. बुनियादी तौर पर ये प्रोजेक्ट यूएनएफपीए यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का ब्रेन चाइल्ड है और जिन्होंने तकरीबन 2 साल बिहार सरकार के साथ मुसलसल उनकी काविशें रहीं और तब यूएनएफपीए और बिहार गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट के थ्रू बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड वो इस बात पर एग्री हुए कि एडोलेसेंट्स के साथ काम करना चाहिए, मदारिस के साथ काम करना चाहिए और इस वजह से ये एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम इन मदरसा और बिहार अमल में आया. इस प्रोजेक्ट के अतवार से हम अगर इसके बुनियादी मकासद को देखें तो प्रोजेक्ट का मकसद मदारिस के जो तलबा हैं और ख़ासतौर से जो बस्तानिया सतह के 6 से 8वीं जमात के जो तलबा हैं उनके साथ काम करना है. ये जो नौबालगीन हैं, जो नौ उम्र के जो तलबा हैं उनके साथ उनकी सलाहियत में इजाफे के अतवार से ये प्रोजेक्ट है, उनकी तरबियत के अतवार से ये प्रोजेक्ट है, उनकी जो लाइफ लॉन्ग स्किल्स हैं, जो ताहयात उनके स्किल्स की उस्तवारी है उस एतवार से ये प्रोजेक्ट है. मकसद प्रोजेक्ट का है कि उनमें खुदएतमाद पैदा हो. हम सब जानते हैं कि नौ उम्र ये वो मरहला है ज़िंदगी का जहाँ बहुत से मसाइल हैं. साइकोलॉजिस्ट तो उसको ये जो टर्बुलेंस तक कहते हैं और यही वो मरहला है ख़ास तौर से मुस्लिम अकलियत के अतबार से कि जहाँ बड़ा ड्रॉप आउट भी होता है. और ये एक बड़ी अजब कहानी है कि मुसलमानों की खासतौर से तालीम हम देखते हैं तो अर्ली जो हमारा इनरोलमेंट है प्री प्राइमरी प्राइमरी इनरोलमेंट हाइएस्ट है अमंग ऑल द रिलीजियस कम्युनिटीज और बदकिस्मती से जैसे 8वीं जमात पर जाते हैं ये लोवेस्ट की तरफ चला जाता है और उसके बाद लोवेस्ट हो जाता है. इसलिए मैं समझता हूँ कि जो ये सोच ली गई कि हमें एडोलेसेंट के साथ काम करना है, मदारिस के साथ काम करना है, इस एतबार से बहुत अहमियत की हामी है. इस प्रोजेक्ट में ये तरबियत का काम होगा और आमतौर पर प्रोजेक्ट्स आते हैं, काम होता है, प्रोजेक्ट्स खत्म होते हैं, काम भी खत्म हो जाता है. सस्टेनेबिलिटी पायदार तरीके से काम नहीं हो पाता है. लेकिन ये प्रोजेक्ट का कंसेप्चुलाइजेशन कुछ इस तरीके से है कि मैं समझता हूँ कि जो काम होगा काफ़ी पायदार होगा. प्रोजेक्ट में इसलिए एडोलेसेंट के साथ काम करना है, मदारिस के साथ काम करना है और इसलिए इसमें सोचा गया कि जो करिकुलम आप बनाएं, जो मदारिस का अपना निसाब है, जो उनका अपना नज़्म-ओ-नैम है, वो तो अपने वक्त में चलेगा लेकिन उसको सप्लीमेंट किया जाए अल्टरनेट पैडागोजी के साथ और उसके लिए वो पैडागोजी भी ऐसी हो कि जो खुद मदारिस के अतबार से हो, उन तलबा की उम्र के अतबार से हो, उस इलाके के अतबार से हो. और इसलिए इसमें सोचा गया कि वहाँ पर बाकायदा नीड असेसमेंट करके उन लोगों के साथ काफ़ी मुज़ाकरात करके, डिस्कशन करके, काफ़ी एक्सरसाइजेस करके करिकुलम को डेवलप किया जाए, कोई ऑलरेडी रेडीमेड करिकुलम को ना चलाया जाए. और ये मरहला है जहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया ख़ासतौर से अहम रोल अदा करेगी कि करिकुलम को डेवलप करने में. करिकुलम बनाया जाएगा और उसकी बाकायदा तस्दीक बिहार स्टेट एजुकेशन मदरसा बोर्ड करेंगे, हम लोग भी उसमें इन्वॉल्व होंगे ताकि करिकुलम मदारिस के अतबार से, उन तलबा के अतबार से, उस इलाके के अतबार से बनाया जाए जिसको हम चला सकें. उस करिकुलम को चलाने के लिए जो मदारिस हैं और पहली सतह पे अभी पायलट लेवल पे जो बिहार का पूर्णिया डिवीज़न है उसके 4 डिस्ट्रिक्ट्स को ले रहे हैं और उस डिस्ट्रिक्ट्स के पूरे जो बस्तानिया सतह के 757 मदारिस हैं उनको ले रहे हैं. और इसलिए इसमें सोचा गया है कि मदारिस से हर मदरसे से 2 टीचर लिए जाएंगे और उन टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा ताकि वो फिर उस करिकुलम को चलाएं. और एक बार टीचर्स ट्रेन हो गए और उनके करिकुलम में उनके उसमें ये चलने लगा, अमल में आ गया और बेहतर एक इसका नफाज हो गया तो फिर ये सस्टेनेबल भी होगा, ये पायदार भी होगा. इस ज़माने में मानू का रोल आता है कि वहाँ पर इस प्रोजेक्ट के एतबार से सेंसिटाइजेशन करना, माहौल बनाना मदारिस के साथ, कम्युनिटी के साथ, उस इलाके के साथ और फिर टीचर्स की ट्रेनिंग. मानू का इंपॉर्टेंट रोल इसलिए टीचर्स की ट्रेनिंग में होगा और ये टीचर्स की ट्रेनिंग क्योंकि पायलट बेस पे प्रोजेक्ट है
मेरे इसलिए ये ज़रूरी है कि ट्रेनिंग कैसे चल रही है, इसका हम असेस भी करें, इसमें बाकायदा तहकीकी तरीके से इसको देखें कि इसका अमली जामा किस तरीके से हो रहा है, और इसलिए फिर इसमें तीसरा कंपोनेंट है इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च का कि प्रोजेक्ट को इससे हम क्या सबक लें और क्या इस पायलट प्रोजेक्ट के बेस पे हम इसको बिहार के दूसरे अजला में भी चला सकते हैं, मुल्क की दूसरी रियासतों में चला सकते हैं, और क्या बैनुल अक्वामी सतह पे भी दूसरे ममालिक में भी इसको रेप्लीकेट किया जा सकता है। और इसलिए इसका तीसरा कंपोनेंट इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च का है जिसको भी मानू देख रहा है। तो बुनियादी तौर पर यह प्रोजेक्ट इसलिए करिकुलम डिजाइनिंग का है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का है, इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च का है, और इस एतबार से जामिया मानू और बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड इस प्रोजेक्ट में है। हमारी तरफ से बिहार में, क्योंकि हमारा सिटी दरभंगा है और बड़ी हमारी बेहतर टीम है वहां पर, तो सिटी दरभंगा की टीम पूरे की पूरी ट्रेनिंग का काम अंजाम देगी, फिर डॉक्टर जो प्रोफेसर फैज की क्यादत में होगा, यहाँ हमारे फिर इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च का जो काम है वो प्रोफेसर बना जाए देखेंगे। ये बुनियादी तौर पर इस प्रोजेक्ट का लबोलवाब है। तो अभी पायलट बेस पर ये बिहार के 4 डिस्ट्रिक्ट जो पूर्णिया डिवीजन में है उसमें चलाया जाएगा। अब इस एतबार से अगर हम प्रोजेक्ट को देखें तो मैं अब इसमें 2 बातें थोड़ी मुख्तसर जरूर अर्ज करना चाहूंगा। ये वो इलाका है बिहार का जिसको हम सीमांचल का इलाका कहते हैं, जहां बड़ी अक्सरियत मुस्लिम कंसंट्रेशन भी है और बहुत ही पसमांदा इलाका है, बहुत ही पिछड़ा इलाका है, और इसलिए ये कंसेप्चुलाइजेशन कि इस इलाके में इसको पायलट टेस्ट किया जाए ये अपने आप में काबिले तारीफ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जो तलबा के एतबार से, एडोलेसेंट के एतबार से, और यहीं पर मैं कहना चाहूंगा यूनिपीए का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड का शुक्रिया करना चाहूंगा, आपने इनके प्रपोजल को लबैक कहा, क्योंकि कोई भी तरक्की तब तक तरक्की नहीं है जब तक वो इंसाफ परस्त तरक्की नहीं है, पायदार तरक्की नहीं है, और उसके एतबार से हम पसमांदा तबकात को जो हाशिए पे तबकात हैं अगर आप उनको छोड़कर चल रहे हैं तो कितनी तरक्की की हम बात कर लें, आपको वापस आना पड़ेगा, वो आपके सामने आएगा विद अ बैंग। और यही आज सूरत हाल है। आज हम हिंदुस्तान की डेमोग्राफी को देखें, हम लोग यंग इंडिया लव से पूरा मुल्क इस टाइम वाकिफ है, हर वक्त यंग इंडिया न्यू इंडिया की हमारी बात होती है। आज आबादी हमारी बमुकाबले दूसरे ममालिक की बड़ी तादाद यंग पॉपुलेशन की है, और डेमोग्राफी के हिसाब से हम देखें तो इसमें यंग पॉपुलेशन में जो बड़ी अक्सरियत है वो पसमांदा तबका की है, उसमें मुसलमान हैं, उसमें दलित हैं। तो इस एतबार से भी ये प्रोजेक्ट की अहमियत बहुत बढ़ जाती है कि हम उन्हीं को कैटर करने जा रहे हैं जो बिल्कुल हाशिए पर हैं। दूसरी बात, मानू के एतबार से जब हमने इस प्रोजेक्ट में सोचा कि हम इसमें जुड़ें और इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि टीचर्स का हमारा बुनियादी काम टीचिंग रिसर्च है, लेकिन ये टीचिंग रिसर्च अपने आप में सही मायने में हम डिलीवर नहीं कर सकते जब तक हमें बाहर के और दूसरे एक्सपोजर ना हो। प्रोजेक्ट को मैं उस एतबार से एक अपने जाति इदारे के एतबार से, वैसे टीचर के मैं जाति फायदा उसमें इस एतबार से देखता हूँ कि हमें मौका फराहम करता है लार्जर ऑडियंस को देखने का। इसलिए जब हमने इसमें सोचा कंसेप्चुलाइज करने के लिए तो हमारा बहुत साफ था कि हम प्रोजेक्ट को इस तरीके से एग्जीक्यूट करें कि इसमें ज्यादा से ज्यादा हमारे टीचर्स का किरदार। पहला प्रोजेक्ट की खास बात यही है कि बिहार के उस इलाके में जहां से अक्सरियत हमारे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं, मदारिस के साथ है, अगर वहां से तलबा ड्रॉप आउट कम होता है तो आगे निकल के शायद कल की ये हमारी कैचमेंट पॉपुलेशन होगी। हमने इसलिए इसमें डिपार्टमेंट के एतबार से भी कोशिश की है कि जो हमारा सिटी दरभंगा है, आप देखेंगे इस प्रोजेक्ट का जिस तरीके से पूरा ऑपरेशन प्लान है, सर हमारे सिटी दरभंगा की पूरी टीम इसमें इन्वॉल्व है, इट इज नॉट वन पर्सन। तो फैज साहब हैं, पूरे असाज़ा इकराम हैं, वो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि अलग अलग मरहले में इसके इस तरीके से इसको चलाया जाए कि ज्यादा से ज्यादा इसमें हमारे असाज़ा और हमारे स्टूडेंट्स रिसर्च स्कॉलर्स उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो पाए। और डेफिनेटली जब प्रोजेक्ट है, और हम लोग कल से हमारी वर्कशॉप चल रही है, कल पूरा दिन हम लोग गेस्ट हाउस में पूरे पार्टनर से बारीकी से डिस्कस कर रहे हैं, और भाईशान साहब को भी मैं बिल्कुल ये यकीन दिलाऊंगा कि प्रोजेक्ट्स हम चलाएंगे, लेकिन ये कोई भी प्रोजेक्ट एट द एक्सपेंस ऑफ हमारी जो रूटीन क्लासेस, जो रूटीन करिकुलम है उसके उस पर नहीं। इसलिए जो भी हम लोग हैं बहुत इस बात पर क्लियर हैं कि प्रोजेक्ट्स का हमारा काम कैसे चलेगा, रातों में कैसे चलेगा, छुट्टियों में कैसे चलेगा, तो उस बात के लिए मैं बिल्कुल सर आपको यकीन दिलाता हूँ। आखिर में, क्योंकि मुझे याद है कि इस प्रोजेक्ट की कमान संभालने के लिए वाइस चांसलर साहब ने इसी एकेडमिक काउंसिल में मुझसे कहा था, और मैं उसे उस जिम्मेदारी का एहसास है, सर मैं अपनी प्रोजेक्ट की टीम से बिल्कुल आपको इस बात का एहसास यकीन दिलाता हूँ कि प्रोजेक्ट्स को उम्मीद है हम बहुत ही तरीके से चलाएंगे, और इस तरीके से चलाएंगे कि यूनेपीए का ये पहला हमारे साथ कलाबोरेशन है, आपको उसमें कुछ कमियां
का मौका ना मिले, बल्कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि यू कैन लुक फर्दर फॉरवर्ड टू अस, और इस एतबार से हमारा प्रोजेक्ट चलेगा। अभी मानू के एतबार से ये प्रोजेक्ट, अभी जो हमारा मुआहदा हुआ है वो एक साल के लिए हुआ है, दो डिस्ट्रिक्ट के लिए हुआ है टू बिगिन विद, लेकिन ये काफ़ी लंबा चलने वाला काम है, तो आगे चीज़ें चलेंगी। मैं इन बातों के लिए अपने साथियों का ख़ास तौर से फिर शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि कल से हम लोग वर्कशॉप में थे, आप सबके मैसेजेस आ रहे थे, आपकी मोहब्बत है, और मैं जवाब भी नहीं दे पाया, उसके लिए माजरत यहीं कर लेता हूँ। तो एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Professor Shahid, for really telling the group what this project is all about. Now I request Dr. Nadeem Noor Saab to just present his vision of empowering Muslims through adolescent education program in Madarsas of Bihar. Janab Vice Chancellor Saab of Temporary Saab, Mehtaki Reputation Watson Saab, Sikandar Saab, Register Saab, or Yaha Maujood मेरे साथी हजरात, शाहिद साहब ने प्रोजेक्ट के सिलसिले में बहुत चीज़ें बता दी हैं, और उनके सिलसिले में मैं नहीं जाना चाहता हूं। जो चीज़ बताई, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के सामने और वाजे कर देना चाहता हूं। आज से तीन साल पहले या चार साल पहले या आज भी कुछ हलकों में, कुछ इलाकों में, जब भी एक मुस्लिम इदारा या मुस्लिम से जुड़े लोग मुसलमानों के लिए बात करना शुरू करते हैं, तो एक समाज में एक टैबू सा खड़ा हो जाता है, और इसी टैबू की वजह से शायद ये समाज और शायद हम लोग मुसलमान के एम्पावरमेंट या मुस्लिम या उनके इदारों के एम्पावरमेंट को लेके घबराते थे, हम बात करना छोड़ देते थे, क्योंकि एक तरह का काउंटर उस पर हो जाता था कि ये फंडामेंटलिज्म की तरफ है, ये कम्युनलिज्म की तरफ है। इस नरेटिव को समझने की ज़रूरत है, और ये क्यों समझने की ज़रूरत है कि हमको इन वर्ड्स का, आज का जो समाज है ये वर्ड्स पे चल रहा है, कंसेप्ट पे चल रहा है, और इन कंसेप्ट को क्यों हमको दोबारा समझने की ज़रूरत है और किस तरह से देखने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है। आज़ादी के 70 साल बाद एक ऐसे देश में जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड है वेलफेयर, उस वो कम्युनिटी जो ह्यूमैनिटी सिखाती है, वैसे संसद साहब भी कह रहे थे, वहाँ पे एक आदमी अगर आपके सामने सड़क में इस तरह से हाथ टेढ़ा करके भीख मांग रहा होता है, छोटे छोटे बच्चे जिस्म में बगैर कपड़े लिए ट्रैफिक लाइट पे गाड़ियां पोंछ रहे होते हैं, तो ये सवाल हम लोगों को पूछना चाहिए कि हमने क्या किया। ये बहुत गहरी बातें हैं, इनको सोचने की ज़रूरत है। इसलिए सोचने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ कौम की बात नहीं है, ये सिर्फ एक कम्युनिटी की बात नहीं है, बल्कि ये नेशन बिल्डिंग की बात है, और इस चीज़ को हम लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं अपने वर्ड से और अपनी वोकैबलरी से, कि अगर इंडिया को प्रोग्रेस करना है तो जो यंग मुस्लिम्स हैं आप उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और ये साइंटिफिक फैक्ट है। वो फैक्ट इसलिए है कि 2030 में लेबर मार्केट में, ये सेंसस की अपनी रिपोर्ट है, 10 लोग काम करने के लिए जो उतरेंगे उसमें से 6 लोग आपके यूपी और बिहार के होंगे, और उसमें ज़्यादातर तादाद आपकी मुसलमानों और दलित की होगी, क्योंकि उनकी फर्टिलिटी रेट हमेशा से ज़्यादा रही है। अगर इसी फर्टिलिटी रेट को चैलेंज किया जाता है, क्वेश्चन उठाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, हमको इसी नरेटिव को चेंज करके बताना है कि ये अपॉर्चुनिटी है। वो मालथूसियन अरिथमेटिक से हम लोग बाहर निकलाए हैं कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ये चीज़ें हो जाएंगी, नहीं, उस चीज़ को हमें रिवर्स करके उसी नरेटिव को हमको चेंज करना है, और उसी नरेटिव को चेंज करके हमको ये बताना है कि नेशन को अगर प्रोग्रेस करना है, इंडिया को अगर प्रोग्रेस करना है 2030 तक की डेमोग्राफिक विंडो जो है, तो आप हमको ये वर्ड मुसलमान इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमको यंग मुसलमान इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमको बिहार इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमको यूपी इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमको मदरसा इस्तेमाल करना पड़ेगा, हम इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और ये चीज़
ये काम आप जैसे इदारे कर सकते हैं, आप जैसे टीचर्स कर सकते हैं, आप जैसे इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग एजुकेशन देते हैं, आप लोग नई जनरेशन तैयार करते हैं, आप लोग नई पौध तैयार करते हैं। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। शाहिद साहब ने बताया कि ये प्रोजेक्ट है, हाँ टेक्निकली उन्होंने सही बताया प्रोजेक्ट है, पर शायद ये प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक नेशन बिल्डिंग प्रोसेस है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, और इस नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में हमको मानू को, जामिया मिल्लिया इस्लामिया को, गवर्नमेंट ऑफ बिहार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सबको एक साथ आना पड़ेगा, और शायद यही सोच है इसकी। इसी सोच के साथ हमको आगे बढ़ना होगा, इसी सोच के साथ हमको लेना पड़ेगा, और यही सोच जब हम बाहर निकलें कि वो आदमी ऐसे हाथ टेढ़ा करके भीख क्यों मांग रहा है, जब तक हमारे दिमागों में ये सवाल नहीं उठेगा हम नहीं कर पाएंगे। और यही वर्ड आता है एजुकेशन का, हम लोग वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं लिटरेसी का, आज लिटरेसी वर्ड का कोई मायना नहीं है। हम सेंसस की रिपोर्ट दिखा लेते हैं, कई सारी गवर्नमेंट अपनी तारीफ़ें करवा लेती हैं, कई सारे इदारे अपनी तारीफ़ें करवा लेते हैं कि हमने लिटरेसी बढ़ा दी, आज लिटरेसी वर्ड का कोई मायना नहीं है। आज हर आदमी पढ़ना लिखना, ज़्यादातर तादाद में पढ़ना लिखना जानता है, आज वर्ड है एजुकेशन। और एजुकेशन भी क्या, एजुकेशन वो एजुकेशन नहीं जो आजकल हम अपने इदारों में पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन वो एजुकेशन जो किसी ज़माने में सोक्रेटिस और प्लेटो ने बताई थी, वो एजुकेशन। सोक्रेटिस और प्लेटो कहते थे कि एजुकेशन ये नहीं है कि आपने किताबें पढ़ ली, एजुकेशन वो एजुकेशन है जो आपको एक आर्ट सिखाता है, द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग इंस्टीट्यूशंस, द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स, द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेना, ये एजुकेशन नहीं है। और शायद इसी आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग को हमारा एजुकेशन सिस्टम अब ख़त्म कर रहा है, और इसलिए ही हम मानू और जानिया जैसे इंस्टीट्यूशन को लेके आए हैं कि जो आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आप लोग प्लीज़ आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग एस्टेब्लिशमेंट ज़रूर बताइए। वो क्वेश्चनिंग कैसे शुरू होगी, हर चीज़ पर सवाल उठाना क्यों ज़रूरी है। आप प्रिविलेज्ड हो सकते हैं, लेकिन आपकी सोच और समझ दूसरी के लिए कैसी है, इन चीज़ों पे हमें बात करने की ज़रूरत है। UNFPA की तरफ से हमारा रोल को ये नहीं है कि हम इस प्रोजेक्ट को चलाएं, हमारा रोल है कि हम डिफरेंट पार्टनर्स को जो कि इसमें महारत रखते हैं, जो कि इसको सस्टेनेबल कर सकते हैं, उनको हम एक साथ एक मंच पे लेके आएं। और कल यही काम हमने मानू में किया, जब आपके यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स, मानू के इंटेलेक्चुअल्स, जामिया के इंटेलेक्चुअल्स, मदरसा बोर्ड और तमाम लोग एक साथ आए और इस मुद्दे पे गौर फिक्र हुए। और ये काम आप लोगों को करना, हम साथ ला सकते हैं, हमारे डिफरेंट एक्सपर्टीज़ को हम लोग साथ ला सकते हैं, काम आपको लेके जाना है। हैदराबाद यहाँ पे है, असलम परवेज़ साहब से मैंने कई बार गुजारिश भी करी है कि इनकी शख्सियत, इनके जो स्पीचेज़ और रिसाले मैंने पढ़े, इनकी सोच एक आलम को मुतासर करती है। तो ये सोच हैदराबाद तक सीमित ना रहे, बल्कि बिहार और वहाँ तक आगे भी जाए, और ऐसे लीडरशिप, आज हमको ऐसे लीडरशिप की ज़रूरत है। जो रिएक्शन यहाँ पे हमने देखा था 6-7 महीने पहले, मैं आपके यूनिवर्सिटी में आया था, और जिस तरह से वेलकम वाइस चांसलर साहब उनकी टीम ने किया था, वही वेलकम हमको आज तक दिख रहा है, और एक सोच दिख रही है, और यही उम्मीद है कि इस सोच को लेके, इसलिए मैं शाहिद साहब से कह रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये सोच है, और इस सोच को कहीं बदलने की ज़रूरत है। उस सोच को बदलने में आप लोग काम कर सकते हैं। आप लोगों की लैब यहाँ पे है, लेकिन इसका सारा मटेरियल बिहार से आ रहा है, तो उस मटेरियल को आप आगे के लिए कैसा तैयार करते हैं, ये आपके ऊपर है। यही साहब एजाज मसीह साहब हैं, इन लोगों ने भी बात की। तो इसको प्रोजेक्ट की नज़र से ना देखते हुए, एक बहुत नेशन बिल्डिंग प्रोसेस से देखें, और क्वेश्चंस उठाने की बात करें। और मैं सिर्फ एक शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा, और शेर को भी सोचें, ग़ुलामी में ना काम आती हैं ना शमशीरें ना तकबीरें, जो हो ज़ौके यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। शुक्रिया जी, थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर विजन। Yes, we will stop calling it a project. We will stop, maybe try to find something else. You can at least when we talk it's about a mission. It's a mission. Mission. Try nation building mission.
Now I request our registrar sir to address the gathering. Very good morning. Assalamu alaikum. Warm welcome to all. I thought it is an unexpected thing. Sai Saab asked me to speak. Yesterday I had shared my views with the team of UNIFA as well as Jamia Millia and Madrasa Board of UP. I completely agree with him. It is not a project, at least for MANUU, it is a mission. So I said it should be a mission rather than in a project. So yesterday I explained to the whole team how important is the project because of our objectives of the university as well as the community outreach. Because there is no point a university only impart education and issue degree a paper without reaching the larger population. तो मैं ये समझता हूँ जब तक यूनिवर्सिटी का जो पर्पस है तब तक सर्व नहीं होता जब तक आप कम्युनिटी को आप सर्विस नहीं देते तो एक मैं समझता हूँ इसको एक पहला कदम है ये मैं ये भी मानता हूँ बिल्कुल कि यूनिफा का तरफ से भी एश्योरेंस है ये तो एक पहला कदम है ये सिलसिला जारी रहेगा इससे दोनों को फ़ायदा इट इज़ ए विन विन यू नो स्ट्रेटजी फॉर बोथ यूनिफा and the MANUU as well as the UP government, especially Madrasa board and the community. It's all stakeholders, everybody gets, lose nothing but gets everything. So, ek nation building exercise hai, economic activities depend upon the population or jo motivation hum milte rahega. So, I'm very much thankful to the UNIFA as well as the Bihar government to extending this as well as we also extend full support to Jamia Millia team. For it's a project which is close to our heart. So, aapko bahut bahut badhai hai. With that, I end my speech. Thank you. It's now time to unveil the agreement between UNFPA and MANUU, and we'll set out on the mission for changing Bihar madrasas. कागज है अंदर एग्रीमेंट इज देयर नाउ इट्स टाइम टू लिसन टू द असिस्टेंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम यूएनएफपीए मिस्टर वी श्रीनिवास वाइस चांसलर प्रोफेसर परवेज साहब डॉक्टर सिकंदर द रजिस्ट्रार My young friend, Professor Shahid. I would like to recognize the presence of my classmate, Syed Abdul Rab, who is also a Qazi and a good scholar from Telangana. Officials from the Bihar Madrasa Board, professors from Jamia Millia, our friend from the Darbanga Center and other professors and also the students here. It's a great privilege for UNFPA to be associated with MANUU as a national central university working on for the promotion of Urdu in the country as well as scientific temper. Jamia Millia, a most respected university, Bihar board, who has consented to be part of this exercise, as well as the government of Bihar. Things have been said here by Professor Shahid and my colleague Nadeem. We are on a mission. We are on a mission to help young Muslim students who are part of this madrasas, who as was said earlier, there is huge amount of interest and aspirations in these young students who are there in classes 6 to 8, but due to different constraints, they are not able to move further, and there is a huge dropout that we see in these institutions. We at UNFPA
having decided to work with the vulnerable communities, be the tribal populations, be the minority groups who are not unfortunately getting mainstreamed in terms of opportunities and work, to provide them a set of basic life skills in an education environment which is more focused towards memorizing and so on, to be able to have those skills, to be, as was said by Nadeem, to be able to question, be able to build relationships, be able to negotiate with parents, with friends, be able to keep away from drugs and so on and so forth, be able to think of what is it that they want to become in the future. These are all skills which are part of our education system, but these are not getting prominence. And we started this program in the formal schools of the country almost 25 years back, and it has taken different formats. We thought now that we are going to look at the marginalized groups, why don't we look at the madarsas? It took almost 2 years for us to come to agreements with the government, and fortunately the current government in Bihar is quite open towards such collaborations. And I was there about 2-3 weeks back in a major function in which the secretary in charge of the minorities department welcomed this as one of the major initiatives that's happening to improve the status, empower the young people of Bihar. And we are very committed, to this. We have, as was said, Jamia, who will provide the materials, Manu, who will take forward this whole thing, because the crux of any program is the delivery. You can have great thinking. We are all great thinkers, but the irony of this country is the delivery. And that's where we have come to Manu, to ensure that teachers are well trained. They are again monitored very closely, monitored not to find out what they have done, but to facilitate them to improve, which is most critical. And that's what is the role of Manu, implementation research, which will be handled by Dr. Vanaja. Today, I spent about half an hour with Professor Parvez. I should use this opportunity to share my great, appreciation, a new knowledge that I received on how education is placed in Quran, how other values which are universal have been talked of so well in the Quran, and unfortunately these are somehow or the other being left behind, and we are getting into posturing and positioning which is not needed. I was very glad to note of his way of bringing in scientific temper through a journal that has been there, which he is the editor for the last 28 years. And I see that if such a person heads an institution, there is going to be real solid support for the program, for the mission that we have embarked on in Bihar. Let me add one more thing here, which I would like to state. We came to know through the professor that there is in a context on discussing about the media and the positioning, I came to know that they have a center for mass communication and journalism. There are young students here, I do not know if they belong to that faculty, but we would like to use the students from here to be engaged in this project, to go to Bihar, study the issues, come up with communication materials, come up with films, and we will extend that component. We will extend that component in this project as we progress, and we assure you, sir, that we would like to use as much of resources as possible from this university. There is a major need in this country for educational institutions to work with the development sector. I'm very glad that Professor Parvez is sporting the UNICEF badge, which is a good, but the next time I'm going to gift him the UNFPA badge, and we would like to have him sport that. But on a serious note,
the engagement of educational institutions with the international bodies, with professional organizations, is unfortunately not there in a big way. And I think it's very important for your teaching faculty, sir, that they get engaged in such projects. Social school, the students should get engaged in field projects. We give you the opportunity to be part of this, and we gain a lot, you know, from this whole, exercise. We would like to have this engagement build from strength to strength over the years. And I do not see that, this is going to be even a 1 year or 2 year, exercise. We are covering presently the four districts which form part of the, bordering districts there of Bihar, which comprises 50% of the population of Bihar. And we will slowly, based on progress and success and the interests of the government, we will cover the other, districts, other madrasas as well. We are already covering 700-800 madrasas out of some 1200 odd madrasas in this project, and we will cover the rest also based on the, success. And I'm sure all of us, starting with Jamia, with the great support of MANUU, the board being there and the government and UNFPA, facilitating this process, we would be able to achieve, success in this. And I would like to see the next meeting of this type in Bihar, in Darbhanga especially, where we will have achievements, case studies, young people coming forward and speaking, saying that, sir, mere saath ye hua tha, main ye seekha, main pehle ye karta tha, ab main itna confidence hu ki main baat kar sakta hu logon ke saath beech mein jaake, main jaake bata sakta hu ki dekhiye aap bachcho ko school se nikal rahe hain, ye galat hai, madrasa se nikal rahe hain, galat hai, aapko ye karna chahiye. And those type of narratives is what we want in this country from young people. And I'm sure that this collaboration will lead to such successes and further successes in the years to come. Thank you. Thanks for giving me this opportunity to speak on this occasion. Thank you, sir. We are also looking forward to this launch program. Simply take off, maybe reaching all parts of the country and maybe internationally. And our partnership on behalf of the university and As staff is always with you, so we are all happy to be flag bearers of UNFPA and other wings of UN also. Now, I request our Vice Chancellor sir to address the gathering. Just before I hand over the mic to you, sir, yesterday when we were deliberating, we were having this talk of who will vet this, an educationist and a person who can have a knowledge of sentiments of the students. The first name which came to my mind was sir, but I didn't say that without his permission. But I am sure the modules can't be brought into reality without sir's vetting it. I'm there. Thank you, sir. So I leave it to you, sir. Thank you very much. Mohatram Sri Nivasan Sahab, Nadeem Noor Sahab. इतना अच्छा नाम है कि बार बार लेने को जी चाहता नदीम भी नूर जो नदीम और नूर का नदीम है तो नूर बनना पड़ेगा इनसे दोस्ती करने के लिए नलनी जी हमारे रजिस्ट्रार साहब डॉक्टर सिकंदर साहब प्रोफेसर शाहिद साहब प्रोफेसर बनाजा जामिया मिलिया से आए हुए हमारे मेहमान हमारे दोस्त पुराने बिहार बोर्ड से आए हुए मेहमान मेरे सब साथियों और अज़ीज़ बच्चियों और बच्चों सलाम अलैकुम एंड नमस्कार एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग और वाकई ये बेहतरीन एक खुशगवार सुबह है सही मानों में एक बहुत अच्छी सुबह है इस यूनिवर्सिटी की कि एक नया आफ्ताब तुलू हुआ है एक नई सुबह है और यकीनन ये मैं ऐसा समझता हूँ कि मानू की ही मैंडेट का एक एक्सटेंशन है क्योंकि जिनको अप्रोच करने के लिए ये उर्दू यूनिवर्सिटी बनी थी क्योंकि ये यानी प्रोफेसर शमीम जराजपुरी साहब से जो मेरी पहली गुफ्तगू थी इस मौजू पे वो यही थी कि साहब हमें सिवाय मदरसों के इस यूनिवर्सिटी के लिए बच्चे नहीं मिलेंगे और वहीं से हमें लेना है और उन्हीं को बिल्ड करना है क्योंकि उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले स्कूल के बच्चे भी ज़्यादातर मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशन में चले जाते हैं जैसे मैं चला गया उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ा था लेकिन मेन स्ट्रीम में रहा और मेरे टाइम में भी अगर उर्दू यूनिवर्सिटी होती तो मैं शायद पहला ऑप्शन इसको ना रखता
फॉर वेरियस रीजन जिसको हम सब समझते हैं। तो नेचुरली हमारे पास मदरसे हैं, हमारा फोकस भी वो है, उन्हीं के लिए हम लोगों ने ब्रिज कोर्स भी आप सब लोगों की मेहनत से बनाए हैं और अच्छी खासी तादाद हमारे बच्चों की वहाँ से आती है। तो ये प्रोग्राम मुझे ऐसा लगता है कि मानू का ही एक्सटेंशन हुआ है, मानू को तकवियत मिली है और उसी जज्बे से और उसी कमिटमेंट से हम लोग इस प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। ये भी एक खुशगवार इत्तेफाक है कि कल की सुबह भी बड़ी अच्छी थी कि हम लोगों ने CPDUMT में एक मदरसों के टीचर्स के लिए रिफ्रेशर कोर्स शुरू किया था और वहाँ मैंने उन लोगों से जो बातें कही थी उनमें से दो यहाँ शेयर करूँगा। एक का ताल्लुक ख़ास तौर से नदीम साहब की उस बात से है जो हकीकत है कि सवाल खड़े करना, सवाल कायम करना और सवालों को इनक्रेज करना और सवाल करने की सलाहियत सिखाना बच्चों को। दिलचस्प बात यह है कि देखिए कुरान क्या कहता है सवाल के ताल्लुक से। ये मैंने कल भी बात कही उन मदरसे के असातिज़ा से जो फारिग थे मदरसों से, कोई आलमियत रखता था कोई फजीलत रखता था, कि एक सूरह है तो मैं उसका तर्जुमा आपको आयत का बताता हूँ, एक वर्ड्स का ट्रांसलेशन के हज़रत इब्राहिम ने, और हम सब पढ़े होंगे इसको, कि हज़रत इब्राहिम ने अल्लाह से पूछा कि तुम मुर्दों को ज़िंदा कैसे करेगा, तो अल्लाह ताला ने कहा इब्राहिम क्या तू ईमान नहीं रखता। द प्रॉफेट इब्राहिम आस्क गॉड दैट हाउ विल यू लिव इन द डेड पीपल एट द डे ऑफ द जजमेंट, व्हेन आई डाई हाउ आई विल बी ब्रॉट टू लाइफ अगेन एट द डे ऑफ द जजमेंट। द गॉड सेड ओ डोंट यू बिलीव एंड हैव फेथ इन मी, ही सेड वेल आई हैव बट आई नीड सेटिस्फैक्शन। तो हज़रत इब्राहिम ने कहा कि ईमान तो रखता हूँ, यकीन तो रखता हूँ, लेकिन दिल का इत्मीनान दरकार है। अल्लाह ताला ने कहा अच्छा तू चार परिंदे ले, उनको सधा ले और उनके टुकड़े चार पहाड़ों पर रख दे और आवाज़ लगा वो चले आएंगे तेरे पास। इसको अकीदत से तो हमने पढ़ा होगा, इस पर आप गौर करिए। पहली बात तो यह है कि जब अल्लाह से सवाल हो सकता है तो किससे सवाल नहीं हो सकता। व्हेन यू कैन आस्क एंड कैन क्वेश्चन द गॉड, आप किससे सवाल नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि सवाल करना हज़रत इब्राहिम की सुन्नत है। एक सुन्नत तो आपने बहुत सुनी होगी हज़रत इब्राहिम की, ये दूसरी सुन्नत भी सुन लीजिए, बड़ी अहम है। दूसरा अहम नुक्ता ये टीचर से रिलेटेड चीज़ है ख़ास तौर से, कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम से ये नहीं कहा इब्राहिम तूने मुझे सवाल कर लिया तू तो काफिर हो गया, निकाह कर ले दोबारा जाके या दोबारा कलमा पढ़ ले, बल्कि उन्हें मिसाल की मदद से समझाया। यानी ये हिकमत हमें, ये लेसन मिलता है, ये सीख मिलती है कि टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए। गिव एन एग्जाम्पल, एलेबोरेट द पॉइंट एंड मेक द पर्सन सेटिस्फाई। इत्मीनान कल्ब को रिकॉग्नाइज करता है कुरान, जहाँ सवाल की इजाज़त देता है। यानी अगर आप किसी को जो चीज़ समझाते हैं उसको इस तरह समझाएं कि उसको क्लियर हो जाए और वो मुतमईन हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, तो ये अल्लाह की सुन्नत है। और जब हम ये नहीं करते तो अल्लाह की सुन्नत छोड़ते हैं। तो एक टीचर को भी सवाल कर लेना चाहिए कि एम आई एबल टू डिस्चार्ज माई ड्यूटीज़ विद ड्यू डिलीजेंस एंड कॉम्पिटेंस, क्या मैं अपने तलबा को मुतमईन कर पा रहा हूँ अपने सब्जेक्ट के लिए। तो ये जो ताल्लुक है सवाल का और सीखने सिखाने का, जो एक छोटी सी आयत ने हमें सिखाया, जिनको हमने अकीदत के लिए पढ़ा है, समझने के लिए और अमल के लिए नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर इसको हम अमल करते हैं तो हम मुसलमान हैं, अमल नहीं करते तो मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि कुरान पे अमल करने वाले को मुसलमान कहा जाता है, ज़बान से कलमा पढ़ने वाले को मुसलमान नहीं कहते। वी आर वॉट वी डू, वी आर नॉट वॉट वी बिलीव, दो आवर बिलीफ सिस्टम्स अफेक्ट आवर डूइंग्स आवर डीड्स, बट इन फैक्ट वॉट वी डू इज़ वॉट वी आर। जो मैं करता हूँ, जो मेरा अमल है, इसीलिए हिसाब अमल के ऊपर है, मेरा अमल देखा जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी अहम है और मुझे शुक्र है कि मेरे पूरे टीचिंग कैरियर में मुझे इन चीज़ों ने गाइड किया है। उसकी शुरुआत यकीनन उन टीचर से हुई थी जिनसे मैं बहुत छोटा था तो इंस्पायर हुआ था, क्योंकि वो मुझे अच्छे लगते थे। और मैंने बाद में बैठ के एनालाइज़ किया कि टीचर मुझे अच्छे क्यों लगते हैं,
तो अगर उसमें उनका ड्रेसअप का रोल था, उनकी एटीट्यूड का रोल था, तो वहाँ उनकी कम्युनिकेशन का भी रोल था कि वो मुझसे किस तरह बात करते हैं, मुझे कैसे समझाते हैं, यानी इत्मीनान कल्ब का रोल था कि मैं उनके साथ मुतमईन हुआ बात करके, दे कुड मेक मी अंडरस्टैंड व्हाट आई वांटेड टू। तो ये चीज़ें, और जैसा कि हमारे फाउंडेशन लेक्चर में हमारे फाजिल स्पीकर प्रोफेसर मुजम्मिल ने कहा था कि ये चीज़ें सब दीज आर बाउंटीज ऑफ गॉड, ये अल्लाह का फजल है। तो ये वहीं जाता है जहाँ सफाई होती है। जो गुनाहगार जहन होते हैं, जो जहन परागंदा होते हैं, पॉल्यूटेड होते हैं, जो पॉल्यूटेड सोल्स होती हैं, उसमें बाउंटीज ऑफ गॉड नहीं जाती आसानी से। दिस वॉज ए वंडरफुल फिलोसफी द प्रोफेसर मुजम्मिल, फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ आगरा एंड रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, डिलीवर्ड 9th January. So we are having many good mornings these days. Enlightening mornings where really we get enlightened. ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, और खुश नसीब थे वो लोग जो उसमें बैठे रहे, और उनकी खुश नसीबी को फैलाने के लिए IMC के लोग उसको माशाल्लाह रिकॉर्ड भी करते हैं और उसको अपलोड भी कर दिया बहुत तेज़ी से। आई एम थैंकफुल टू यू रिजवान साहब एंड योर टीम कि यू हैव बीन सो फास्ट एंड क्विक एज एवर कि आपने उसको यूट्यूब पे डाला, और मैं समझता हूँ अच्छी हिट्स मिल रही हैं, लोग उस लेक्चर को देख रहे हैं, बहुत अच्छा लेक्चर था वो। बहरहाल मुझे खुशी है कि ये सब सोच जो हम लोगों की है, जो मिशन है इस यूनिवर्सिटी का कि टेकिंग नॉलेज, तालीम के कारवां को वहाँ तक ले जाएं जहाँ यह नहीं पहुँच सकता, जिसको मुजम्मिल साहब ने यह कहा था कि जहाँ ना रवि पहुँचे वहाँ कवि पहुँचे। तो इल्म की मांग है जहाँ तक हम पहुँचा सकें, और मुझे यकीन है कि ये कोलैबोरेशन, ये सिलसिला यकीनन चलेगा आगे। और मुझे उम्मीद है कि देखिए, माजी में हमने नालंदा से बहुत कुछ सीखा है, मौजूदा दौर की हुकूमतें भी बिहार से सबक लेंगी और हुकूमतें भी अपने आप को खोलेंगी। और जिस फराग दिली का मज़ाहरा बराहर गवर्नमेंट ने किया है कि उन्होंने मदरसों में काम करने की इजाज़त दी, दीगर स्टेट्स भी और रियासतें भी इस तरफ सोचेंगी और ये काम आगे चलेगा, क्योंकि इसकी बड़ी ज़रूरत है। देखिए, एक सोसाइटी के हम सब कंपोनेंट्स हैं, माने ना माने। मैं भले ही इस अकल को अपना हिस्सा ना मानूं, लेकिन ये मेरे साथ है। तो समाज का जो जिस्म है उसमें हर कम्युनिटी साथ है। मैं उसको नहीं मानता और फंक्शनल नहीं रखता तो वो मेरे लिए एक रुकावट बनती है, एक बॉटल नेक बनती है पूरी सोसाइटी के लिए। तो इंक्लूजन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द कंपोनेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब जब खून ने अपने किसी हिस्से को एक तरफ किया है, उसने मुसीबत खड़ी की है। दैट्स हाउ आई सीक लेसन्स फ्रॉम नेचर एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ ए नेचर। कण कण में भगवान, हर जर्रे में खुदा का नूर है, ये सब कहावतें मौजूद हैं। हम सोचते नहीं इस तरफ, सोचने की आदत डालनी चाहिए, और ये मैसेज हमें मदरसों में भी लेके जाना चाहिए। तो मैं जिस लायक हूँ हाज़िर हूँ, यकीनन जो ज़िम्मेदारी आप मुझे देंगी, क्योंकि ये मेरा पैशन है, मेरा कमिटमेंट है कि जो कुछ हमने सीखा है दूसरों से शेयर करें और उनके पास ख़ास तौर से लेके जाएं, जो इस यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुँच सकते, जो इन कमरों में नहीं आ सकते, उनकी झोपड़पट्टी में जाना है, उनके खेतों में जाना है, उनके खलिहानों में जाना है, वहाँ उनसे बात करनी है। और आप यकीन जाने, मेरा यहाँ से फारिग होने के बाद मिशन यही है, शुरू से था, इसीलिए पहले दिन यहाँ ज्वाइन करने वक्त जो बात मैंने कही थी, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कायम हूँ कि ना यहाँ एक्सटेंशन लूँगा, ना यहाँ से कहीं जाऊँगा, वापस दिल्ली जाऊँगा, कम्युनिटी में काम करूँगा, क्योंकि आई एम डाइंग फॉर इट एंड आई वॉन्ट टू रियली डाई फॉर इट। मरते वक्त तक यही काम करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी ज़िम्मेदारी है। तो मैं एक दफ़ा फिर मुबारकबाद देता हूँ आप सब लोगों को जो इस वाहिदे का हिस्सा हैं, और ये कई तरह से मेरे लिए बड़ा खुशगवार है, क्योंकि एक मुद्दतों से मेरी ख्वाहिश रही है कि मानू को भी कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलें, हम कुछ चीज़ें लेके आए। मैं ये कहूँगा कि ये मानू आज उस बैट्समैन की तरह दिखती है जिसने पहली बॉल पे छक्का लगाया है, क्योंकि पहला प्रोजेक्ट लिया है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया है और बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट लिया है। मुझे उम्मीद है कि यूनाइटेड नेशंस के इस प्रोग्राम और दीगर प्रोग्राम के साथ भी हमारा ताल्लुक चलेगा, और उसमें जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन होगा वो मैं ज़रूर दूंगा। ये जो आपको यहाँ नज़र आता है, ये मैंने वहीं के हेडक्वार्टर से लिया था जब मैं यूनिसेफ गया था, और मुझे उम्मीद है कि आपके यहाँ भी आपके हेडक्वार्टर से ही जाके लूँगा जब जाऊँगा। बहुत शुक्रिया।
Thank you so much, sir. As usual, you have simply enlightened us and left us with lots of thoughts to ponder upon. Now I request Professor Faiz to propose the vote of thanks. I am very much thankful for UNFPA for taking initiation towards this mission. I am also very much thankful for the representative of UNFPA, particular Sri Venkatesh Srinivasan sir, Nadeem Noor sahab, and Nalini ma'am. I remember that when you people visited at CT Darbhanga, it was not looking that I am approaching you, rather it was looking you are just playing the role of the guardian with us. So thank you very much, sir. I am also thankful to the other partner, Jamia Millia Islamia, and its representative, our learned teacher, Professor Ajaz Masih Sahib and Arshad Ekram Sahib, for their not only presence but also actively participate in this project from their own part and from our part also. Mm-hmm. I am also thankful for to the Noor Islam Sahib, representative of Bihar Madarsas Education Board, and his team to be here. I also thankful to Rab Sahib for being part of this occasion, sir. Thank you very much. And जब नदीम नूर साहब ने मुझे ये बताया कि ये ऐसा है तो मैं दिल में एक चीज़ सोचा था कि अगर ये चीज़ सर तक जाएगी तो फिर मेरा काम कुछ नहीं रहेगा. और मैंने फ़ौरन अपने हरदिल अजीज़ वाइस चांसलर जनाब मोहम्मद असलम परवेज साहब को ख़त लिखा इस उम्मीद के साथ कि इस खत का जवाब फ़ौरन मुझे मिलेगा. और ठीक वैसा ही हुआ. सर ने फ़ौरन टाइम दिया और UNFPA की टीम यहाँ विज़िट की. हम लोगों ने नदीम साहब ने कहा था आधा घंटा वाइस चांसलर साहब का हमें चाहिए. बट आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट इट विल नॉट बी आधा घंटा सिंस द प्रोग्राम इज़ सो इंटरेस्टिंग एंड सर हैज़ पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन दिस फील्ड एंड दैट हैपन्ड रियली ऑन दैट ओकेजन व्हेन सर गिवन एट लीस्ट आई थिंक 2.5 hours टू डिस्कस इन लेंथ टू दिस प्रोग्राम. इन रियलिटी दैट प्रोग्राम वॉज प्रैक्टिकली फॉर्मुलेटेड इन दैट डे. And what was remaining, that was formulated by our hard-working, dedicated registrar sir, who made all the tough thing easy, and he did this thing. So I am thankful both of our vice chancellor sir and the registrar sir for making this program so easy that we get it. Now I am also thankful to the director of this project, Professor Shahi Sahib, who made such a nice proposal that without any modification and rectification, UNFPA accepted this proposal. So thank you very much, sir. I am also thankful to the Vanessa ma'am for being part of this implementation and research of this project and cooperated from their part to Professor Shahi Sahib in this project. And I also thankful to the dean, director, head of the center studies, mass media, and the administrative officers, and all those who are directly or indirectly involved and present here in this occasion. So thank you all very much. Thank you.